सारी बड़ी बड़ी बातें, अकादमिक किस्म की बहसें और लोकतंत्र, संविधान आदि आदि जैसे भारी भरकम शब्द, ये सब चुनाव आरंभ होने के समय बड़ा शोर इनका होता है, लेकिन जैसे जैसे मेरा अनुभव कहता है चुनाव परवान चढ़ता है, खटोला वहीं बिछने लगता है जहां बिछता रहा है अभी तक। फिर मसला वहीं आ जाता है कि ठाकुरों झुकना नहीं, सैनी समाज जिंदाबाद, ब्राह्मणों का ये, ब्राह्मण ये कर रहे, ठाकुर वो कर रहे, अगड़े यहां पिछड़े वहां, और पिछड़ों में भी यादव कहां किधर, कुशवाहा कहीं, सैनी कहीं, आदि आदि। वो एक स्वरूप आ जाता है, जमीन पर ही नहीं मंच पर भी चढ़ जाता, माइक में भी वही आवाज आने लगती है। और उन सबसे भी ज्यादा ब्लंट डिवीजन होता है मुस्लिम फैक्टर को लेके, जिसको हम लोग एम फैक्टर कहते हैं संक्षेप में, वो और भी ज्यादा लाउड हो जाता है। और अगर कहीं चुनाव उन जगहों पर है वोटिंग जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व 20% या उससे ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि एम फैक्टर का शोर बाकी चुनाव के सारे फैक्टर्स के शोर से बड़ा शोर होता है। इतना जान लीजिए, पानी, बिजली, सड़क, खड़ंजा, थाना, कचहरी, अस्पताल भी हैं, लेकिन मैंने कहा सबसे बड़ा शोर फिर एम फैक्टर का होता है अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम 20-25% के आसपास है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव, और यहां तो मुस्लिम आबादी का बड़ा घनत्व है, यही इसी इलाके में रामपुर है, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है, जहां 52% मुस्लिम है, बाकी में 48 और 52 में एम फैक्टर। मुरादाबाद है, और वैसे तो आप देखिए तो जैसे ही आप गाजियाबाद छोड़ते हैं और वहां से उत्तराखंड के बॉर्डर तक चले जाइए, जहां एक पांव बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे सहारनपुर के कोने तक, वो सब मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। फिर अब वहां चुनाव हो और एम फैक्टर की गूंज ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। और जब बहन जी खुद निकले मैदान में, पहले तो कहा जा रहा था बहन जी निकलेंगी नहीं, इस बार बच्चों से कह दिया भाई तुम ही लोग देख लो अब हम कहां जाएंगे, फिर अचानक से बहन जी ने कहा निकलेंगे और तारीख तय की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती वाली, बोले 14 से शंखनाद होगा, यलगार होगा, और सच में यलगार हो गया। अब बहन जी पहले चरण की 8 सीटों में से 6 जगह भाषण देंगे, दे रही, 6 जगह, सोचिए 8 में 6, इतना बहन जी ने कांशीराम जी के समय कभी प्रचार नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, ये उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस बार रणनीति बदली बदली है। मायावती जी आज मुजफ्फरनगर में थी और उन्होंने कहा कि मुसलमान लड़ाने का मन था, सच्ची मुसलमान लड़ाना चाहती थी मैं, लेकिन कोई मुसलमान नेता तैयार नहीं हुआ लड़ने के लिए, तब मजबूरी में मुझे दूसरा लड़ाना पड़ा। उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया कि भाई मेरे दिल में मुसलमान है। और वो आप जानते हो मायावती हिपोक्रेसी बहुत कम करती है, बात सीधी सपाट और देसी अंदाज। सहारनपुर से लेके और मुजफ्फरनगर तक और पीलीभीत, जहां जहां मायावती जा रही हैं, वो मुसलमानों से कह रही है कि बटना मत। अब बटना मत का मतलब भाजपा तो है ही नहीं बंटवारे में, साइकिल और हाथी, तो मायावती कोई छायावादी ही ढंग से भी नहीं कहती अपनी बात, वो सीधे कह रही हैं कि समाजवादी को वोट मत देना मुसलमानों, क्योंकि समाजवादी के बस का ही नहीं भाजपा को हराना। फिर वो अपने उदाहरण गिनाते हैं कि जब जब मुसलमानों ने इनको पूरा वोट दिया लेकिन ये हरा नहीं पाए अखिलेश यादव। और इसके साथ साथ एक नैरेटिव सेट हो रहा है बीएसपी के सेकंड इन कमांड से की तरफ से, मायावती के भतीजे की तरफ से। अब आकाश आनंद 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण सेट कर रहे हैं नैरेटिव के तौर पर। पहली ये
कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो मैं खड़ा होऊंगा वहां जाके। ये बड़ी मारक बात है, लोग इसको अभी तासीर पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। बाबरी मस्जिद का बा बोलना गुनाह हो गया था सियासत में, गुनाह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई माई का लाल ये हिमाकत नहीं कर रहा था, बड़े बड़े मौलाना इमाम तक नहीं कर रहे थे, नेता छोड़ो बोले उधर ना देखो भैया बाप। लेकिन अब अगर आकाश ने ये सिक्का उछाला है तो मायावती से पूछ के उछाला होगा, ऐसा तो नहीं कि अंताक्षरी खेलने के लिए उछाल दिया बाबरी मस्जिद। और दूसरा, आकाश आनंद जगह जगह जाके कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसलिए भी मुसलमान को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी की ही बी टीम है। जो आरोप सपा बहन जी पर लगाती थी कि मायावती मतलब बीजेपी की बी टीम, वो आरोप अब बहन जी ने आकाश से कहा कि तुम भी चिपकाना शुरू कर दो अखिलेश यादव पर, चिपकाओ तो फिर देखेंगे कितना चिपकता कितना नहीं चिपकता। उस जब आनंद आकाश आनंद ही बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है, तो वो एक तरह से मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं तुम्हारे खैर ख्वाह, केवल हम ही हैं, भटकना नहीं। जैसे एक बात कह के फिर आपको उस ले चलते हैं, उस पैकेज दिखाते हैं जो हमारे साथियों ने तैयार किया है। जैसे आप गाजियाबाद से आगे बढ़ो और देहरादून की तरफ जाओ तो रास्ते में दोनों तरफ मिलेगा आपको बोर्ड लगे मिलेंगे, मामा का असली ढाबा यही है। क्या 100 ढाबे हैं और सब पर फोटो लगी मामा की, अब किसके मामा कौन से मामा, और सब असली लिख रहे। क्या वही हाल एम फैक्टर को लेके है, बोले असली मामा हम ही हैं तुम्हारे, क्या उधर मत जाना वो नकली हैं, और वो कह रहे कि ये नकली हैं। इस उठापटक में विपक्षी दल फंसे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कम से कम जब चुनाव पूरब में जाएगा तो क्या स्थिति होगी तब की तब चर्चा करेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये स्थिति अभी दिख रही है। अब इससे फायदा किसको होगा? अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में शार्प डिवीजन हो गया मुस्लिम वोट का तो फायदा किसको होगा और कितना होगा, ये इस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, इससे बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। पश्चिमी यूपीकरण पहला चरण और मुस्लिम वोटों का समीकरण, और इसी पहले चरण से ठीक 4 दिन पहले चुनावी मैदान में उतरी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा दांव चला कि विपक्ष खेमे को ही बड़ा तनाव दे दिया। दरअसल पश्चिम के पॉलिटिकल ट्रैक पर मायावती ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग वाली ट्रेन दौड़ाने की कवायद की है। इसके लिए उन्होंने अपने दलित मुस्लिम कार्ड को चलते हुए मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया है कि बीजेपी को बसपा हरा सकती है सपा नहीं। मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद तक मुस्लिमों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब है, दयनीय बनी हुई है। इसकी जानकारी आप लोगों को भी है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इसकी काफी कुछ जानकारी है। ऐसे में हम आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी व इनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इतना ही नहीं, मायावती से पहले इस चुनाव में बसपा के लिए पिच सजा रहे आकाश आनंद भी अपने फॉर्मूले में इस मुस्लिम वाले फैक्ट और फैक्टर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईद के मौके पर मथुरा में आकाश आनंद बाबरी मस्जिद के समर्थन का भी ऐलान कर देते हैं। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। अब मायावती से लेकर आकाश आनंद तक जहां हर मंच से मिशन मुस्लिम में जुटे हैं,
तो बसपा के सिपाही जमीन पर माहौल बनाने में जुट गए। हाजी याकूब कुरैशी ने तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत के लिए अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। अब मायावती के इस दांव ने इंडिया गठबंधन को नया तना दे दिया, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए नए संकट का सबब बना दिया। सपा कह रही है इस रण में लड़ाई में ही नहीं है बसपा। वहीं विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोटों पर खींचतान मची है। इधर बीजेपी यूसीसी राम मंदिर जैसे संकल्पों के साथ मिशन 80 का दावा कर रही है। एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी, आपने दूसरी तरफ देखा होगा पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए, क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे। बहरहाल पश्चिम के इस रण में मायावती ने अलग प्रदेश का भी दांव चला है। वहीं दलित मुस्लिम फॉर्मूले के जरिए सपा का गणित बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है बहन जी ने। ऐसे में सवाल यही है कि मायावती ने जो चला है फिर से एम फैक्टर, क्या वो पीडीए की करेगा कठिन डगर? वोट किसका कटेगा और किसमें जुड़ेगा, कौन हराने के लिए लड़ रहा है किसी को और कौन किसी को जिताने के लिए लड़ रहा है। देखिए चुनाव दो तरह से होता है, एक हम खुद जीतने और खुद हारने के लिए लड़ रहे हैं, एक हम परमार्थ की भाव से लड़ रहे हैं कि भाई हमारा कुछ भी हो लेकिन फलाना जीते। वो भी राजनीति का एक बहुत पैना आयाम है। शार्प मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। अनुभव जी का बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजम खान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जेतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी का बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी साहब हैं, AIMI के नेता। दानिश जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जेतिलक जी, पहले तो उम्मीद बताया जा रहा था, इसी अटकलें थी कि बहन जी नहीं निकलेंगी, आकाश ही थोड़ा बहुत घूमेंगे और रैली करेंगे। फिर बहन जी निकली तो अब ऐसी निकली कि उनने कहा ये पश्चिम में जितने मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं इन सब पे जाऊंगी और रैली करूंगी, और वो एक ही बात कह रही कि मुसलमानों वोट बेकार नहीं करना, हाथी के पीछे आ जाओ। इसका क्या, मायावती की जो बड़ी सक्रियता है और आकाश आनंद का सीधे बाबरी मस्जिद तक पहुंच जाना, कलियर शरीफ तक जाते, देवबंद तक जाते तब भी बात समझ में आती, वो सीधे बाबरी मस्जिद ही निकल गए। आज तक किसी नेता ने बाबरी मस्जिद का तो बा नहीं बोला। पहली बार आकाश बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो मैं खड़ा होऊंगा जाके, और पश्चिम में चुनाव है जहां 30% से लेकर और 55% तक मुसलमान है, कैसे देख रहे हैं अरविंद भाई? अमिताभ जी देखिए, अभी कल 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी 40 साल की हो गई। अब वो 40 साल वाली पार्टी की जिम्मेदारी जो है 29 साल के आनंद और 68 साल के मायावती के कंधों पर है। अब अकेले मायावती नहीं है, उनके पास जो है उनका उत्तराधिकारी के तौर पर एक सशक्त जो है युवा भी सामने है, जिसके जुबान में एक तासीर है जिसकी अभी बात आप कर रहे थे। जितने दमखम के साथ उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद के सवाल को उठाया है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी लोग अब बच रहे थे। राम मंदिर निर्माण के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जिस तरह आनंद ने उठाया उसका सीधा अर्थ है कि अब बहुजन समाज पार्टी के लिए डू आर डाई, यानी जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो वाटरलू से कम नहीं है। आप देखिए, ये वही क्षेत्र है जहां पे बहुजन समाज पार्टी जो है जो 10 सीटें पाई है उसमें 4 सीटें हैं सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, और यही से मायावती जो है पूरी तरह से आक्रामक हुई है, क्योंकि यह पहला चरण है। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर यहाँ जो है टेम्पो हाई हुआ तो निसंदेह जो है बलिया तक जाते जाते बहुत कुछ उनके मुट्ठी में आ सकता है, यानी एक लड़ाई को जो है अलग धार दे सकती है। और उन विपक्षी दलों को जो है, विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है,
अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बढ़त बनाने की कोशिश करती हुई वो दिख रही है। और जिस तरह उनके जो लेफ्टिनेंट है, ब्रिगेडियर है या हाजी याकूब जैसे वह लोग सीधे कह रहे हैं, अखिलेश यादव को दोषी ठहरा रहे हैं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो दुर्गति हुई है या जो कुछ उनका नुकसान हुआ, इसके लिए एकमात्र एक मेव जो है अखिलेश यादव जिम्मेदार, यानी सीधे तौर पर उनके उनके सामने तो हुआ। एक तो भाजपा को हम हराएंगे और ये दुर्गति के लिए अखिलेश जिम्मेदार, एक फिर से वो कई निशाने करते हुए। ठीक है अरविंद भाई, दोबारा मैं आता हूं। आजम खान साहब, हाजी याकूब कुरैशी पश्चिम का बड़ा चेहरा है मुस्लिम पॉलिटिक्स का कम से कम, और बसपा के पुराने प्लेयर हैं, कई चुनाव लड़े, कई जीते और हारे भी, मतलब पूरी राजनीति के पुराने चावल हैं। अब अगर वो ये कह रहे हैं वो भी माइक पर कि भाई आप पूरा सूबे का मुसलमान, देश का मुसलमान ये मानता है कि अतीक और अशरफ मारे गए, वो उसके पीछे अखिलेश यादव का हाथ है, तो बड़ी गंभीर बात हो जाती है। जब चुनाव सिर पर हो, हफ्ते भर के अंदर वोट पड़ना हो और मुसलमान का प्रतिशत हो कहीं 35 कहीं 40 कहीं 52, और उस समय ये अशरफ और अतीक का जिन्न खड़ा कर दिए दोबारा से लाके, और मायावती ये कह रही है मंच से, बाकी बातें कम, इस बात पर उनका जोर ज्यादा है कि भाई सपा को आपने वोट दे के देख लिया, सारी ताकत लगा ली, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सकते, इसलिए अब वोट हमें दो। क्या अब बीएसपी और एसपी के बीच में भाजपा से लड़ने की बजाय मुस्लिम वोट की खींचतानी की आपसी लड़ाई दिख रही है? आजम खान साहब, हाजी याकूब कुरैशी का बयान बहुत ही निम्न स्तर का बयान है। ना केंद्र में सपा, सुनिए सर, ना केंद्र में सपा की सरकार है, ना राज्य में सपा की सरकार है, ना सपा के पास सीबीआई है, ना ईडी है, ना एनआईए है, ना पुलिस प्रशासन है, तो सपा किस तरह से जो वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इन हत्याओं के पीछे है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ, अगर 111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें 33 मुस्लिम विधायक बना दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ये समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का नुकसान किया सर। अगर समाजवादी पार्टी की 12 से 17 के बीच में सरकार थी, 60 मंत्री थे, तो 15 मंत्री मुस्लिम थे, ये समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का नुकसान किया। समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो अगर सभी के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी सुनवाई होती थी तो क्या ये मुसलमानों का नुकसान था? शायद वो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, वो अपने अपने गिरेबान में झांक के देखने की कोशिश नहीं करते हैं। चुनावी मुद्दे जो हैं, जो जमीन के चुनावी मुद्दे हैं, ना वो बेरोजगारी पे बना रहना चाहते हैं, ना किसानों के बेरोजगार मुद्दे पे बना रहना चाहते हैं, वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। वही भाजपा की बी टीम जैसा कि प्रोपेगेंडा की राजनीति जो है, उसी राजनीति को सर वो आगे बढ़ाना चाहते जी। बड़ी मुश्किल है, सब तरफ से एक ही बात, बिहार में भी यही, यूपी में भी यही, एक दूसरे को कह रहे भाजपा की बी टीम। मैं तो अभी जब अनूप चक के पास आऊंगा तो भाजपा से ये कहूंगा कि भाई आप एक लिस्ट जारी कर दो, आपने कितनी टीमें खड़ी की है प्रदेश में, देश में बवाल खत्म करो यार। मायावती करे अखिलेश बी टीम है, अखिलेश यादव करे मायावती बी टीम है, बड़ा कंफ्यूजन है। आओ ओवैसी करे, मैं सबकी लैला हूं, मैं ऐसी लैला हूं कि मेरे सब तरफ दीवाने हैं, एक मुश्किल हो, लैला तक आ गई चुनाव में, क्या बचा? खैर, दानिश कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश के दो बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी पश्चिम की जमीन पर मुस्लिम वोट के लिए आपस में भिड़ रहे हैं, और इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि भाई मुस्लिमों तुम्हारा असली खैर ख्वाह कौन? मायावती सपा की कमियां बता रही है और सपा बसपा की। दानिश कुरैशी साहब, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, इन तमाम लोगों ने, और सबसे पहले की बात की जाए तो इनसे पहले कांग्रेस की बात, आप देखिए कि अभी कोई मित्र थे मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये बता रहे थे कि 7 कैबिनेट मुसलमानों को दिए थे, और यादवों को कितने दिए थे वो नहीं बताया इन्होंने। 15 कैबिनेट, पूछ लेते, 15, अरे चलिए 15, और यादव में कितने दिए थे ये तो बताइए, उसका आंकड़ा जरा बता दीजिए,
ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा कुरैशी साहब, आप इंटरप्ट करो, कुरैशी साहब आप चेक करो, देखिए इंटरप्ट मत करिए, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। नहीं एक मिनट आजम खान साहब, अभी अभी धारिश कुरैशी साहब का वक्त है, उनको बोल लीजिए। जी कुरैशी साहब, देखिए अब सवाल ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, मुसलमानों के साथ हर बार फरेब होता रहा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में से कांग्रेस क्यों गायब हुई, जानते हैं आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको समझ में आएगा कि किसी जमाने में तूती बोलती थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, और आज जमीन पे कुछ भी नहीं है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो 400 सीटों पे से वो कुछ भी नहीं कर पाए एक सीट के ज्यादा। तो सवाल ये है कि असद साहब की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें यही है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में था, मुसलमानों की जो तारीख है वो खुद उन्होंने अपने हाथ से लिखी है, ये आपके सामने है। उसके बावजूद भी अगर हम उनकी बात करते हैं तो बात खैरखाही की नहीं है, बात इसकी है कि जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उनकी बात। असद साहब अकेले मुसलमानों की बात नहीं करते, असद साहब दलितों की भी बात करते हैं, पिछड़ों की भी बात करते हैं, लेकिन ये लोग जो चुनाव के वक्त, मुझे ये बताइए याकूब कुरैशी साहब से आप ये पूछ लीजिए कि अब से पहले किन मुद्दों पर उन्होंने बात की है, कुरैशी साहब ने पूछ लीजिए उनसे, तो कोई जवाब नहीं है। तीन तलाक पे कहां थे पूछ लीजिए उनसे, तो जवाब नहीं है। और समाजवादी पार्टी के नेता कहां थे मुसलमानों के मुद्दे पर पार्लियामेंट में, कितने बड़ा बोलापन इनका दिखाई दे रहा था, एक भी आदमी नजर नहीं आता, वो छोड़ दीजिए। उसके अलावा आज की डेट में समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं अनकरीब जो चीजें फेस कर रहे हैं सरकार की तरफ से, आज चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को याद आया है उनको, लेकिन उससे पहले पूरे इतना वक्त गुजरने के बाद कभी खबर भी ली है उन्होंने? और अगर बात बात सीबीआई और ईडी की बात की जा रही है तो मुझे ये बताइए कि इतने सारे आरोप जो हैं अखिलेश बाबू पे लगे, क्या उनके वहां पहुंची अभी तक सीबीआई या ईडी? अभी तक तो नहीं पहुंची। अच्छा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो ये सवाल हमसे तो पूछते हैं कि ओवैसी साहब के लोग क्या कह रहे हैं, या आप बी टीम है या सी टीम है, लेकिन आप तो तय कर लीजिए कि आप मुसलमानों के साथ ईमानदार है या नहीं है, दलितों के साथ ईमानदार है या नहीं है। ठीक, दानिश कुरैशी साहब का यानी एआईएमआई का कहना है कि पहले आप यानी सपा और बसपा ये तय कर ले कि वो मुसलमानों के साथ कितनी दूरी तक चलने की स्थिति में है और कितनी शिद्दत से खड़ी है। मैं बीजेपी के पास चलूंगा, अनुभव चक साहब हमारे साथ हैं। अनुभव चक जी, बड़ा मुश्किल है भाई, हर विपक्षी पार्टी दूसरे से के लिए आपको आपकी भी टीम बता रही है, आपने इसे नहीं उतार के, मतलब कितने आपने टीमें बने गठित कर दी। ये तो पहले रॉ वगैरह में होता था कि भाई अंडरकवर छोड़े जाते थे, आपने राजनीति में अंडरकवर चला दिए। मायावती कह रही अखिलेश यादव है बी टीम, अखिलेश यादव कह रहे मायावती सर्टिफाइड बी टीम है, एआईएमआई कह रही ये दोनों बी टीम है, और ये दोनों कह रहे कि ओवैसी सबसे बड़े बी टीम है। मसला क्या है भाई? देखिए अमिताभ जी, मसला सीधा है, मसला एकदम साफ है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निरंतर 140 करोड़ भारतवासियों के हित के लिए, उनके विकास के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए अपराधियों का सफाया हो रहा है, जो सुशासन दिया जा रहा है, उसके देखते हुए जो भारत के रहने वालों और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के निवासियों का जो समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, उसकी वजह से सभी विपक्षी दलों के मन में ये बात पूरी तरीके से घर कर गई है कि आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अक्षम हैं, हम इनके सामने कहीं नहीं टिकते, तो इसलिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाएं, और किसी तरीके से येन केन प्रकारेण हम नंबर दो की स्थिति में तो आने में सक्षम हो जाएं। इसीलिए लगातार ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और 140 करोड़ भारतवासियों की बात ना करके, उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की बात ना करके, मुस्लिम की बात करने लगते हैं, कभी जो है किसी और तबके की बात करने लगते हैं। इनको पीड़ित के रूप में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों की, जिन बेगुनाह नागरिकों की इन माफियाओं ने हत्या की, वो इनको नहीं दिखाई देते हैं। अजीब सा इन्होंने माहौल कर रखा है, बी टीम सी टीम, अरे आपको जिसका बी टीम बनना हो सी टीम बनना हो आप लोग बनते रहो, लेकिन कम से कम इस प्रदेश, इस देश के जो मूल निवासी है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं,
उनके विकास के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सराहो कम से कम। आपस में तलवार चला रहे हो, चलाते रहो, लेकिन मुख्तार और अतीक को कम से कम नायक के रूप में पेश करके चुनावी मैदान में उतरना ये कोई अच्छी बात नहीं, इससे आपको बचना चाहिए। आजम खान साहब, एक बात खड़ी होती है कि अभी वो गए थे अखिलेश जी वहाँ गाजीपुर मुख्तार के यहाँ, तो उनने कहा मुख्तार गरीबों का मसीहा था, ठीक। अब इन चुनाव में अगर आप मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताओगे तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं रहता कि गैर जरूरी मुद्दे याकूब उछाल रहे हैं। तो याकूब ने भी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले कि अतीक और अशरफ, जनाब अतीक और अशरफ साहब को मरवाने में अखिलेश यादव का हाथ है। भाई वो तो जैसा आप कर रहे हो वैसे भी उसी धारा में भाग रहे हैं। नहीं, इससे तो बचना चाहिए था। पर नहीं, अगर आप चाहते थे कि इस ढंग का पोलराइजेशन नहीं हो पश्चिम में, तो फिर गाजीपुर से थोड़ा परहेज करना चाहिए। या अब एक दूसरी सवाल भी उठ रहा है, अतीक के जो चेले चापड़ हैं वो कह रहे कि भैया वहां गए गाजीपुर और यहां क्यों नहीं आए, हैं हमारे भी दो लोग मारे गए और वो भी नेता थे, सांसद विधायक सब रहे थे, सांसद और आप ही की पार्टी से रहे। अब वहां नई लड़ाई शुरू हो गई कि मुख्तार के यहां क्यों गए अखिलेश जी और अतीक के यहां क्यों नहीं आए। काहे को आप अपने गले में घंटी बांध लेते हो? अब कोई तो आपका कुर्ता फाड़ेगा भाई, मुख्तार वाले ने आपको अखरोट खिलाए समझ में आता है, लेकिन ये कुर्ता फाड़ेंगे अतीक वाले? आजम खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी गाजीपुर हमारे प्रत्याशी हैं, अफजाल अंसारी साहब उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे, जो कि ये समाज की एक परंपरा है, व्यक्ति कोई अगर अच्छा वो अतीक असलम जब मारे गए थे तो वो भी परंपरा नहीं थी, वो भी सांसद विधायक रहे थे। अभी अफजाल अंसारी साहब हमारे वो हैं लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो हमारे दल के प्रत्याशी हैं। अतीक और अशरफ साहब हमारे दल के आज के नेता नहीं रहे हैं, जब कभी रहे होंगे वो बहुत सारे जगहों पे रहे हैं, तो इसलिए जो दल के हैं और हमारे प्रत्याशी हैं इसलिए वो वहां गए थे। और जो गए और जो उन्होंने वहां देखा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ की गरीब जनता जो लाखों की संख्या में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए थी, उससे ये लगता है कि वहां के लोगों के लिए उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, ये माने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द हैं। अब उसको किस तरह से लोग पेश करते हैं? आजम भाई, एक मिनट, हालांकि आपके इस बयान से कि जब कभी रहे होंगे अतीक और अशरफ के जो चेले चंपू होंगे, शागिर्द होंगे, उनका दिल टूटेगा। वो आपको अपना मानते थे, इतना अपना मानते थे कि नेताजी की, अरे सुनो भाई नेता, अरे रुको भाई, नेताजी सीएम थे, ये लाड़ दुलार था, अपनापा था कि अतीक कुत्ता लेके चढ़ गया मंच पे और मुलायम सिंह के हाथ में कुत्ते की टांग दे दी, बोले हाथ मिलाओ इससे, ये अपनापा ही था। ऐसा अपनापा कहां किसमें होता है? अब आप कह रहे हो कि वो पुराने नेता रहे होंगे, उनका अब कोई रोल नहीं, खत्म हो गया, अब इसलिए नहीं जाएंगे, अब उनका दिल टूटेगा नहीं, अब टूटेगा तो वो बवाल करेंगे, फिर याकूब चिल्लाएंगे, ये भी तो सोचो, इधर कुआं उधर खाई। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अफजाल अंसारी साहब आज समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी उनके घर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे और शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। और बाकी कौन नाराज होता कौन खुश होता ये विषय नहीं है, विषय है कि शोक संवेदना वहां, वो चूंकि हमारे आज की डेट में वो हमारी टीम के हिस्सा है इसलिए वो गए थे, और जो उन्होंने वहां जमीन पे देखा वो चीजें उन्होंने। ठीक है आजम भाई, एक छोटी सी टिप्पणी और ले लूं फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। ये मुद्दा बड़ा है इसलिए इस पर सपा की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। बीएसपी ने कहा, उसको बीएसपी ही कहेंगे क्योंकि आकाश का मतलब बीएसपी, वो मायावती जी के घोषित उत्तराधिकारी है और नेशनल कोऑर्डिनेटर, उसने कहा, आकाश आनंद ने कहा है कि मुझे खुशी होगी बाबरी मस्जिद जब बनेगी, और जब बनेगी तो हम वहां खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि भाई धुन्नीपुर चलो, है समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, वो गिट्टी मोरम
कुछ लेके कन्नी तसला वहां चल के कुछ कार सेवा करो। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ खड़ी है। जब निर्णय आया था तभी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं सम्मान नहीं, अब तो सम्मान के आगे की बात हो गई चाहिए। अरे सम्मान की आगे की बात कह रही है बीएसपी, वो करिए वहां खड़े होंगे जब बनेगी कार सेवा करेंगे। हम आपसे पूछ रहे आप भी कार सेवा करने का इरादा मन में रखते हो कि नहीं? समाजवादी पार्टी एक संविधानवादी पार्टी है, संविधान और कानून में आस्था रखती है सर। जो कानून और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में होगा उसको मानने के लिए तैयार है और वही वो काम करेगी। तो भैया संविधान मंदिर बनाने में कोई रोक नहीं लगाता, मस्जिद बनाने में कोई रोक नहीं लगाता, गुरुद्वारा बनाने में रोक नहीं लगाता, इसमें संविधान कहां से आ गया? आप लोगों ने तो ऐसा कर दिया। एक मिनट ना ना, अब रुकना होगा, मैं सारे नेताओं से फेड अप हो गया। अरविंद जी संविधान को मालूम क्या बना दिया? पूछो किसी नेता से आप चौसा आम खाएंगे, बोले नहीं मैं संविधान के अनुरूप आम खाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो यार, तमाशा फैला के रखा। बोले आइसक्रीम खाओगे, बोले नहीं हम भारतीय संविधान के अनुरूप चलेंगे। अरे आइसक्रीम संविधान में लिखा कि आइसक्रीम खाओगे कुल्फी खाओ। जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, पन्नी नहीं पलटे, वो सब रेले पड़े, बोले संविधान। अरे भाई संविधान में लिखा है क्या धुन्नीपुर में मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसा लिखा है क्या? नहीं ना। अरविंद जी खैर हम आते हैं आपके पास, आजम खान के पास जब दोबारा आएंगे तब तक शायद वो और बेहतर सोच के रखे। ये जो मसला खड़ा हो गया है बाबरी मस्जिद का, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 27 में विधानसभा भी है उत्तर प्रदेश में, और ये लोकसभा के बाद अगले साल 27 से पहले बीच के साल में पंचायत का चुनाव भी है क्या? तो धुन्नीपुर जिंदाबाद, यूं ही तो नहीं मसला उठा दिया। और समाजवादी पार्टी अभी कह रही कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, अब संविधान में धुन्नीपुर लिखा नहीं कहीं, तो फिर वो हिचक रहे हैं। और उधर जो नया कमांडर आया बीएसपी का, वो ताल ठोक रहा है कि हम चलेंगे कार सेवा करेंगे वहां। जयतिलक जी हाँ अमिताभ जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये लड़ाई सपा बसपा जो है 2024 की नहीं लड़ रही है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि 2024 में हश्र क्या होगा। दरअसल ये लड़ाई पूरी 2027 की है, और ये मान करके चलिए कि इस 2024 में जो एक तासीर उभर करके आएगी उसी का जो है परिणाम जो है 2027 होगा। और जिस तरह आनंद ने धुन्नीपुर मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपने अंगद की तरह पांव रखने की कोशिश की है, एक किस्म से माइलेज ले ली है। मजेदार बात यह है कि आप मुरादाबाद से लेकर के रामपुर तक, सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक, पूरे मुस्लिम जमात में दो फाड़ हो गए हैं। चाहे वो एसटी हसन का मामला हो, चाहे आसिम रजा का मामला हो, यह किसी से छिपा हुआ अब नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है मायावती की नजर उस पर है, और मायावती के जो मुस्लिम जमात के जो लीडर है कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में इसको लेकर के एक बड़ी जो है लाइन खींच रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आनंद बहुत कुछ कहेंगे। देखिए तो अभी जब वो बढ़ेंगे दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, तो तमाम ऐसी चीजें उभर करके सामने आएगी जिसमें समाजवादी पार्टी के लिए उनको कोना ढूंढना पड़ेगा। और ये कहना बड़ा आसान नहीं रह जाएगा कि अफजाल जो है वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम वहां पे गए हैं। बिल्कुल यह सवाल प्रयागराज में जो है उस सवाल को उठाया जाएगा। आपने देखा कि जब अतिकर उनका भाई मारा गया तो उसी समय तमाम मुस्लिम जमात के लोग कहते, उसमें बौद्धिक लोग भी थे, कहते सुने गए थे कि अगर ये अखिलेश यादव जो है विधानसभा में योगी जी को नहीं उकसाए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। यानी पूरा जो है ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ते हुए देखे गए। और आपने 2022 के विधानसभा में भी देखा कि किस तरह से आजम खान के समर्थक ये कहते सुने गए कि तमाम मंचों में, रैलियों में कहीं भी आजम खान का नाम नहीं लिया गया, और इसी वजह से जो है हार हुई है विधानसभा में। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो है समाजवादी पार्टी को जवाब देना कठिन होगा, और वो सवाल खुद जो है बसपा खड़ा करेगी, और इसमें किसी को शक नहीं है, और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अमिताभ जी दानिश कुरैशी साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि राजनीति में एक एक शब्द और एक एक वाक्य के एक एक हिज्जे का है, हिज्जा समझते हैं ना आदम भाई, उसका भी बड़ा महत्व होता है। कौमा कहां लगा है, क्या लाखों वोट इधर उधर हो जाता है जरा से उसे। मैं दो उदाहरण रखता हूं फिर दानिश कुरैशी साहब पास आऊंगा, आनंद आएगा सुन के।
आकाश आनंद ये भी कह सकते थे कि धुन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद में हम सहयोग करेंगे, खड़े रहेंगे, क्या तब उसमें मजा नहीं था उतना ना। तब वो गांव का शरबत था, गुड़ और पानी, क्या, और ये है सोडा झरप झाग, क्या, जब इसमें बोला बाबरी मस्जिद, उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जा रहा है, बट आनंद ने कहा, आकाश ने, बाबरी मस्जिद, क्योंकि सारा खेल बाबरी पर है इमोशंस का। मस्जिदें तो 3.5 लाख हैं, आजम खान को पता भी नहीं होगा कितनी मस्जिदें देश भर में है, 3.5 लाख से ज्यादा है भाई। और दूसरी एक बात कहता हूं दानिश कुरैशी साहब, जरा आप भी गौर फरमा लेना, हाजी याकूब कुरैशी ने जो बोला उसके हिस्से देखिए, जरा उसका प्रोनंसिएशन देखिए। अखिलेश यादव ने सीएम साहब को भड़काया, योगी जी को भड़काया और अतीक को मरवा दिया, अशरफ को मरवा दिया, क्या वो ये भी कह सकते थे हाजी याकूब, हाजी याकूब के गले में कोई सेंसर तो है नहीं, तो सब जानते साइलेंसर तो है नहीं, वो ये भी कह सकते थे योगी को भड़का के मरवा दिया, क्या मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब, दानिश कुरैशी कुछ तो बदल रहा है, नहीं, वो एक सीरियल आता जिसमें वो कहता दया कुछ तो गड़बड़ है, मामला कहीं तो फंस रहा है, दानिश कुरैशी साहब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक सवाल है याकूब कुरैशी की, तो याकूब कुरैशी का जो स्टेटमेंट है, आपको पहले भी कहा कि अब से पहले ये जितने भी बड़बोले नेता जो है ना, ओवैसी साहब जितना मुखर होके और कोई भी नहीं बोलता, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे जमीन पे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव ने या सीएम ने या किसी ने भी ये काम किया था तो आप अपने मुंह से जबान से तो निकालते, चुनाव के वक्त जब याद आया है ना, तो चुनाव के वक्त तो देखिए मुसलमानों को भयो भयो करने के लिए तो तमाम लोग लगे पड़े, और यही चीज तो हम बैरिस्टर सत्यदीन ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब खुद ये समझाने की फिक्र में है कि देखिए जी जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा शाम को 5:30 बजे के बाद आपको कोई पूछने तक नहीं आता भाई आपको उसके बाद गोली मार दी जाएगी या उसके पहले गोली मार दी जाएगी। सवाल यही आके खड़ा है कि जब आपके मतों की बात आती है तो ना समाजवादी पार्टी दिखती है, ना बसपा दिखाई पड़ती है, ना कांग्रेस दिखाई पड़ती है, कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अभी चुनाव है तो अभी उनको सब याद आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अनकरीब 1 साल होने आया अतीक अहमद के गुजरे हुए को, तब तक याकूब साहब को याद नहीं आया अतीक अहमद मर भी गए हैं, अखिलेश अगर नहीं चढ़ाते तो ये, लेकिन इनको याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव है, तो इसी चुनावी भाव में न बहने बहने की जरूरत है। बैरिस्टर सदीन ओवैसी साहब जो ये बात कहते हैं बार बार इन्हीं चीजों को उतारते हैं कि कब तक आप वोट देने वाले बनते रहोगे, अरे लेने वाले बनने की कोई, जिसके पास 20% आबादी अपने प्रदेश में है वो भी अगर लेने वालों की बात कर रहे हैं, और देख लीजिए कोई क्या है, तो कोई 7% में अपनी दावेदारी ठोक रहा है, कोई 14% में अपनी दावेदारी ठोक रहा है, और हम 20% में आज भी तरी जी कब तक बिछाते रहे। ठीक बात दानिश कुरैशी साहब, अनूप चक के पास आऊं, उससे पहले एक टिप्पणी, बड़ी न्यूट्रल टिप्पणी लेकिन जरूरी है अरविंद भाई, कि मैंने सोचा कि बड़ा फाटक क्यों गए अखिलेश जी गाजीपुर, और अतीक और अशरफ के मरने पर क्यों नहीं गए, जिस विद्या के गुणी मुख्तार थे उसी विद्या गुणी अतीक थे, है ये हो सकता है अतीक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ये ग्रेजुएट होंगे, या ये पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो वो ग्रेजुएट होंगे, बहुत छुटाई बढ़ाई नहीं, कोवर छोट कहा था अपराधु, उनके पास भी गोली थी इनके पास भी गोली थी, दे दबा दब, ऐसा तो था नहीं कि सरसैया घाट पर धुनी रमाए थे। तो मैंने चिंतन किया तो मैंने पाया, अरविंद जी इसी यही सवाल है, मैंने ठीक सोचा कि नहीं, यही बात ओवैसी ने सोची होगी और यही बात अखिलेश जी ने भी सोची होगी कि भाई जब अतीक और अशरफ दो ही थे कलाकार, जब दोनों ही मर गए, बाकी बच्चे हैं अभी नन्हे मुन्ने, हालांकि वो भी कलाकार हैं, मां तो भाई पैदा होते ही सटासट गोली चला रहा है लड़का,
अब तो वो भी नेम्ड हो गए दोनों, अतीक के लड़के जो उस वक्त कहा था नाबालिग है लेकिन वो भी कलाकार निकले। खैर, तो उन्होंने सोचा होगा कि जो इलाहाबाद, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रतापगढ़ इसे इधर मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम लोगों में जो अतीक का रौला चौला है, जब दोनों ही मर गए अतीक और अशरफ, तो अब इनके घर जाने से क्या लाभ। इसीलिए ओवैसी ने भी कहा होगा गुरु हैदराबाद से यहां तक टिकट का पैसा क्यों खर्च करूं। मुख्तार के यहां अफजाल है, अभी दो लड़के हैं जो दो विधायक है क्या, यानी अभी वहां संभावनाएं पूरी हैं। अतीक के यहां तो संभावनाएं खत्म हो गई थी, इसलिए कोई नहीं गया। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना अमिताभ जी की, जो एक बड़े वृक्ष की संभावना छोटे से बीज में ही निहित होती है, तो आपने एकदम सही कहा। वहां पर जो गाजीपुर में अभी जो मुख्तार अंसारी एंड कंपनी की जो फैमिली है उसमें, अच्छा मजेदार बात की उनके जो बच्चे हैं उसी रो में बोलते भी हैं, और आपने देखा कि किस तरह से 2022 के चुनाव में उनका लड़का कहते हुए सुना गया था सुभाषपा के मन से कि अभी हिसाब करना बाकी है, चुनाव तो हो जाने दीजिए, भैया की सरकार आने दीजिए। तो भैया भी अपना धर्म निभा रहे हैं अच्छी तरह से, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इलाहाबाद में जो है कोई उस ढंग का अभी है नहीं, अभी उन लोगों को साबित करना है, और यहाँ लगातार साबित हो चुका है, चाहे बाड़ी से हो चाहे बाकी चीजों से हो। तो निसंदेह जो है वहां से जो उनको एक ऊर्जा मिलेगी, आज जिस तरह से ऊर्जा लेने के लिए फाटक पर जो है समाजवाद को लेकर के घसीटते हुए लेकर के गए हैं, तो निसंदेह जो उसके अपने मायने हैं। हाँ बिल्कुल, एक चीज और है, वैसे दिन भी कम थोड़े हैं, ये भी जो है उसी तरह की सियासत करते हैं जैसा कि अखिलेश जी करते हैं, तो ये भी उसी तरह से उसी तासीर में जो है अपने बातों को जो है घुमाते हैं, चाशनी में घोलते हैं, और क्या ये इनको नहीं आना चाहिए, इनको भी तो अतीक में आना चाहिए, जो दानिश कुरैशी भाई कह रहे हैं, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी थी। अगर मान लीजिए उस विधान को ये लोग मानते हैं, उस कर्मकांड को मानते हैं, उस तेवर को, हो सकता है गुड्डू मुस्लिम का कुछ हो तो आए। हाँ गुड्डू मुस्लिम फरार है, गुड्डू मुस्लिम को तो उनके लड़के कह दिए कि गद्दार है, तो अब देखिए अब उसके साथ ये कितना कंधा जोड़ते हैं। दानिश जी वो कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जैसे जिस कारण से अखिलेश यादव नहीं गए अतीक के यहाँ मातम पुरुषी करने, उसी से फिर ओवैसी भी नहीं गए, बोले गुरु इधर क्या रखा, ये दुकान तो लुट गई, वहां अभी दुकान भरी पूरी है, मुंह वो लड़का भी मुंह जॉइंट रहा है, मुन्नू भी क्या, और दूसरा भी अफजाल खुद ही है, और इधर तो भाई दुकान ही बंद हो गई। जब कुत्ते पाले थे वो भी मर गए भूखे क्या, तो ओवैसी ने कहा गुरु वहां जा क्या फायदा। अच्छा सुनिए जी, अब मैं जवाब दूं। देखिए दिक्कत क्या है अमिताभ जी, के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार जो है ना, वो शायद बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ये भूल गए कि जिस वक्त अतीक की और अशरफ की हत्या हुई थी उस वक्त उनकी पत्नी भी नहीं थी, उनकी जो भाभी थी वो नहीं थी, चारों बच्चों जेल में थे, तो फिर क्या अमिताभ जी के घर जाते या वरिष्ठ पत्रकार जी के घर जाते, कि जो बीजेपी के नेता उनके घर जाते। दिक्कत क्या है इनकी कि सवाल ये होना चाहिए था, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए था कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई उसकी जान को खतरा है, उसके बावजूद भी आप देखिए इंपोर्टेड वेपन से पुलिस के घेरे में, जबकि दो दिन पहले पुलिस ये कहती थी कि आप पुलिस के ऊपर अगर कोई वो करेगा अटैक करेगा तो काउंटर अटैक में ढेर कर दिए जाएंगे, और हमने 25 सेकंड तक पूरा खेल देखा, आपने भी देखा अमिताभ जी और हमने भी देखा। रह गई बात अगर अतीक अहमद की बात की जाए, तो अतीक अहमद को 10 मिनट के बाद से मुसलसल जो घटना हो रही थी उस पर प्रतिक्रिया वैसी साहब की भी आई, और मैं भी मुसलसल बोलता रहा आपके साथ में भी, उस मामले में हम बहस कर चुके हैं। दिक्कत यह है कि उनके परिवार के लोग अगर इनकी बात कर रहे हैं, अफजाल अंसारी की बात करते हैं या मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, तो मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग मौजूद थे इसलिए तमाम लोग पहुंचे। अगर अवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आपने तर्क ठीक दिया, ढूंढ के लाए, ठीक दानिश भाई आप ढूंढ के लाए तर्क, लेकिन इस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर अनुभव चक के पास जाऊंगा। ठीक है अतीक की बीवी फरार थी, अशरफ की बीवी फरार थी, जो बच्चे थे वो जेल में थे या अनाथालय में, सुधार गृह में थे, जहां भी थे, लेकिन कई हजार आदमी तो उसकी मिट्टी में भी गया था, मिट्टी में जाने में तो रोक थी नहीं, रिचुअल हुए थे, फातिहा पढ़ने तो जाना चाहिए था ना। अरे भाई किसने कहा कि उनकी बेगम से मिलकर सिमई खानी थी, ऐसा तो था नहीं,
आप फातिया पढ़ने तो जाते, एक अगरबत्ती जला आते, गुलाब के फूल पंखुड़ी थोड़ी डाल देते और फातिया पढ़ लेते, तो अतीत के जो शागिर्द हैं उनकी भी छाती जुड़ाती नहीं, उनको भी लगता कि हाँ देखो हैदराबाद से चल गया आदमी है। उसका भी तार्किक जवाब है, भी उसका भी तार्किक जवाब। अरे हम क्या करना, हमें तो वही लोग कहते कि भैया वो नहीं आए वो नहीं आए, तो हमने कहा भाई अब देखो क्या करें, जो है सो है। अब लड़के भी अब तो वो भी कलाकार हो गए, पुलिस उलिस के सब में चल रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े समय बाद वो ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि फिर आप लोगों का आना जाना शुरू हो जाए वहाँ। हाँ भाई बोलो, दो चार अच्छे कांड लड़के कर देंगे तो आप लोग जाने आने लगोगे। सर अनुभव चक साहब, अनुभव चक साहब, आज अखिलेश जी को मैंने सुना, वो कह रहे थे जनसभा में छत्रियों से, ठाकुरों से, कि ठाकुरों अपनी नाराजगी कम मत होने देना, भाजपा के आगे झुकना नहीं। कैसे निपटेंगे? देखिए अमिताभ जी, देखिए समाजवादी पार्टी को उम्मीद का रोशनदान वही दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि ठाकुर नाराज है। आप समाजवादी पार्टी की टोटल कैंपेन को पिछले 10 दिन से देख, 10 दिन का देख लीजिए, उनका सारा फोकस ठाकुर पर है, और इधर ये ठाकुरों के चक्कर में लगे, उधर मायावती मुसलमानों के चक्कर में लग गई, क्या बोली, तब तक इधर से सब समेट लो खटाखट जब तक ये उधर है। देखिए अमिताभ जी, जो ये विपक्षी नेता हैं, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उत्तर प्रदेश और देश में सुशासन के मुद्दे पर, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के मुद्दे पर, इस देश के 140 करोड़ भारतवासियों के को अच्छा जीवन देने के लिए लगातार। अरे भाई आप कह रहे हो अच्छा जीवन, अखिलेश जी आज कह रहे थे कि अगर दोबारा मोदी आ गए तुम्हारा तो शादी नहीं होगी किसी की, कुंवारे रहोगे। ये अखिलेश जी को दिखाई दे रहा है अमिताभ जी, क्योंकि अखिलेश जी विपक्ष के नेता, उनको दिखाई देगा, उनको तो मुख्तार अंसारी का परिवार पीड़ित दिखाई देगा और मुख्तार अंसारी नायक दिखाई देंगे। जिस अतीक अहमद और अशरफ से ये पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये कहकर बचते जा रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे, हमारे दल का नहीं था। अमिताभ जी आप वरिष्ठ पत्रकार, आपने देखा कि सांसद भी इन्हीं के दल ने बनाया था, और दूसरी बात राजू पाल, अशरफ विधायक भी हुआ राजू पाल के मर्डर के बाद, वही बता रहे अमिताभ जी कि राजू पाल की नृशंस हत्या करने के बाद भी इसी अशरफ को समाजवादी पार्टी अपना सिंबल दे के विधानसभा में बेचने का काम करती है। कुत्ते का साथ कैसे हाथ मिलवाया था वो पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा था। आज उस अशरफ से और अतीक से ये अपना मुंह चुराते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी हो या मेरा तो सभी के लिए कहना, मुस्लिम समाज के युवकों को गुमराह करके अपराध जगत में इस लेवल तक आगे भेज देना कि वहां से वापसी संभव ना हो, ये भड़काने का काम करके ये अखिलेश यादव ने सभी को उस रास्ते पर पहुंचा दिया है कि या तो उनके गोली पड़ी और जेल के पीछे सड़ रहे हैं। उनको किस तरीके से शिक्षित करा जा सके, किस तरीके से नौकरियों की व्यवस्था करी जा सके, जीवन यापन कैसे अच्छा करा जा सके, और इस देश के विकास में उनके योगदान को कैसे बढ़ाया जा सके, इस तरफ इन्होंने प्रयास नहीं करा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी करते दिखाई दे रहे। जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें जो हम लोग लाभार्थी कैंपों में जाते हैं, लाभार्थी जो हमारे आयोजन होते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में बढ़ के आते हैं। वो कहते हैं कि घर देते समय ये नहीं देखा गया कि हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, अन्न देते समय ये नहीं देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका नाम इस योजनाओं से काट दिया जाए। जिस समय कोविड की वैक्सीन लग रहे थे, पूरा दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, उस समय ये नहीं देखा गया कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी बगैर जाति धर्म देखे 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मान के सबके लिए उन्नति और विकास के रास्ते पर और उनके जीवन यापन कैसे बेहतर हो उस दिशा को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये अभी भी आज भी उसी पिछली सदी में उलझे हुए हैं। मुस्लिम, जाति, ठाकुर, ये इसमें उलझे हुए हैं। इनको इनकी राजनीति मुबारक, हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार इस देश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। आजम खान साहब, आप एक तरफ कहते हो कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, दूसरी तरफ अखिलेश जी इस बात से आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं कि ठाकुर नाराज है, वो मंच से कहते हैं कि नाराजगी छोड़ना नहीं, जब तक वोट ना डाल दो तब तक नाराजगी छोड़ना नहीं। पूरी समाजवादी को लग रहा है कि भाई कहीं कोई पंचायत हो जाए, छोटी बड़ी कैसी भी, क्या एक पश्चिम का एक त्यागी लड़का है
उसको योगी जी की सरकार बदतमीजी की थी उसने अपार्टमेंट में एक में, तो उसको जेल भेज दिया था, उसने भी एक संगठन बना लिया, उसकी तक फोटो समाजवादी पार्टी रिट्वीट कर रही है, करी त्यागियों ने मोर्चा खोल दिया ठाकुरों के बाद। तो आपका भी जो न्यूक्लियर है, जो केंद्र बिंदु है, फोकस है, वो तो यही है, सैनी, ठाकुर, त्यागी, अमिताभ जी, जाट, जाटव, गुजर, नहीं तो सब उसी में खेल रहे हो, फिर काहे को बड़ी बड़ी बातें करो, जो खेलना सबको वही है। जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 90% पीडीए की बात करते हैं, जो गरीब है, शोषित है, वो जात की बात कर रहे हैं। ना ना ना, गलत बात, वो जात की बात कर रहे हैं, नारा है सिर्फ, वो जात की बात कर रहे हैं, मंच से माइक से पीडीए की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने जो कहा उसको काटिए, उन्होंने कहा ठाकुरों नाराजगी छोड़ना नहीं, बीजेपी के आगे झुकना नहीं, इनको सबक सिखा देना, ये पीडीए है, राजनीतिक दल है, यकीनन अगर कोई जाति, कोई बिरादरी, ये पीडीए है या ये रोजगार का मुद्दा है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि क्यों नाराज। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जरा सा भी अंदाजा नहीं है इनको कि इनके अखिलेश यादव किस तरफ ले जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 2022 में भी ये विकास दुबे के मुद्दे पे चुनाव पे उतरे थे। पता नहीं कि इनको अपराधियों से इतना मोह है, गैंगस्टर माफियाओं से इतना मोह है, और जातिगत रूप में किस तरीके से समाज को विभाजित करा जाए उस तरफ ये निरंतर प्रयास करते हैं। प्रदेश और देश को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाया जा सके, उस राजनीति को करने में इनकी कतई रुचि नहीं है। विभाजन करा जा सके, दंगों की आग में झोंकने वालों को महिमा मंडन करा जा सके, गैंगस्टरों को महिमा मंडन करा जा सके, माफियाओं, बाहुबलियों को महिमा मंडन करके, और उस समाज के नवयुवकों को भी गुमराह करके, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर उनको भी गड्ढे में डालने का काम करा जाए। ऐसी राजनीति करने वाले दल को उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया है। 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, चाहे नगर निगमों का चुनाव हो, पंचायतों का चुनाव हो, सब में इनको धूल चटाने का काम करा, लेकिन अभी भी संभलने का समय नहीं है। दानिश भाई, अरे नहीं, अरे आजम खान साहब, एक मिनट रुकिए, आपको एक वो याद दिला दूं दृष्टांत, समय भी कम है। नेताजी जब उन्होंने फैसला किया, अरविंद जी जब मुलायम सिंह जी ने फैसला किया कि इसको फूलन को चुनाव लड़वाएंगे, क्या तो मैंने उनसे कहा कि नेताजी बहुत बवाली फैसला है, ये है, ये दुधारी तलवार है दोनों तरफ, ये जान लो आप। बोले हम सब संभाल लेंगे, क्या हमने कहा 22 ठाकुर मारे गए, बवाल मच जाएगा प्रदेश भर में, ठाकुर नाराज होगा। बोले जितना नाराज होगा ठाकुर, उससे कई गुना ज्यादा पिछड़ा खुश हो जाएगा, सारा निषाद मल्ला केवट झर के इधर आ जाएगा। बोले बनाएंगे जरूर, क्या ये रोजगार का मुद्दा है। आज ठाकुरों की चिंता है आपको, जब फूलन देवी को आपने टिकट देके बनाया था सांसद नेताजी ने, तब उस वक्त फूलन देवी के सिर पे 22 ठाकुरों की हत्या का आरोप था। आजम खान साहब, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा थी। फूलन देवी लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ने गई थी बंदूक लेके, नहीं ना? फूलन देवी ने जो कुछ किया था उस माननीय श्रद्धेय नेताजी ने कहा था आत्मरक्षा में किया गया कार्य है, और फूलन देवी कर दो आत्मरक्षा, 22 मिनट का दोगे, कहीं ना कहीं उन्होंने उनको सुधार के लिए ले आए थे, और सुधार के नजरिए से उनका राजू पाल की हत्या भी आजम वो ही रही होगी, आत्मरक्षा में हत्या सुधारात्मक रवैया भी। ठीक है, ठीक है, मैं अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, वरना एक छोटा सा दृष्टांत है कि राजू पाल की हत्या के बाद, आजम भाई ये पुरानी बातें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए जो नई पीढ़ी के राजनीतिक दलों के नेता उभर रहे हैं। अरविंद भाई, नेताजी आए जब इसको टिकट दी अशरफ को, और नेताजी ने इसका मंच पर हाथ खड़ा किया अशरफ का, और कहा हम कह रहे हैं इसका कोई दोष नहीं है इसमें, राजू पाल की हत्या में कोई हाथ नहीं। अभी जो फैसला आया उसने क्या बताया, अगर अशरफ जिंदा होता तो फांसी होती। बिल्कुल, मुलायम सिंह ने कैसे क्लीन चिट दे दी थी, कैसे क्लीन चिट दे दी थी, जिता भी लाए थे। ऐसा नहीं कहिए महाराज, इतिहास तो बड़ा क्रूर है, सामने रहता है। अरविंद जी, ये समझ नहीं आता मेरे कि हम
दो बजे कहते हैं मुद्दों की राजनीति हो, ढाई बजे कहते हैं ठाकुर सैनी कच्चप कोरी कुर्मी, मतलब जाति भी जात में भी गोत्र तक खींच लेते हैं तलवार नहीं, और दूसरा खींचे तो कहते बताओ ये तो जात के राजनीति कर रहे हैं, ये संविधान और कानून और क्या क्या बताते उसमें की उसमें चुनाव नहीं लड़ रहे, ये कैसे चलेगा? अरविंद जी हाँ हाँ अमिताभ जी देखिए वो जातियों की नाराजगी के कंधे पर सवार होकर के वो सत्ता शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, ये एक समाजवादी पार्टी की रवायत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस तरह से जातियों की गोलबंदी करते हुए, मजेदार बात यह कि डॉक्टर लोहिया कहा भी करते थे कि जाति एक ऐसी बीमा है जिसका प्रीमियम चुकाना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ लाभ ही लाभ कमाना होता है। शायद समाजवादी पार्टी जो है उस तंज को ही अपना जो है सत्ता के मार्ग का रास्ता बना ली है। देखिए ऐसे नहीं होता है, केवल आपने तो अशरफ का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि इसका कोई दोष नहीं है, आपने देखा कि नेताजी जो अब नहीं है उन्होंने कहा कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती है, आपने इसी रामन और लोहिया लाइन और सिटी में उन्होंने कहा था कि सीबीआई में जब हम रक्षा मंत्री थे तो वो फोर्स वाला फाइल को मैंने खुद गायब करा दिया था। ये भाई किस तरह की रोजगार की लड़ाई है, किस तरह से यह जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, किस तरह से जो है पीडीए के न्याय की बात की लड़ाई है, ऐसे होता नहीं है। देखिए वो कहते हैं ना कि जो जनता है इस चीज को बड़ी बारीकी से देखती है, ठीक वो पहले ठीक वो जनता नहीं रह गई। जी पर दानिश कुरैशी साहब एक सवाल मेरे मन में आपकी पार्टी के लिए है, सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी अपने सिंबल पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, अगर उसकी पार्टी के आपकी पार्टी के कुछ लोग लड़ना चाहेंगे तो वो कृष्णा पटेल वाली पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, ऐसा है? ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ओबीसी गाजीपुर फाटक तक आने के बाद चुनाव के सीन से बाहर हो जाते हैं तो फिर तो उसका मतलब भी कुछ होगा। अनुवचक लास्ट कमेंट, ओबीसी गाजीपुर तक आए और उनके बाद फिर अखिलेश जी को भी आना पड़ा वहां, लेकिन अभी उन्होंने चुनाव से खुद को दूर कर लिया उत्तर प्रदेश में, क्यों? देखिए अमिताभ जी विपक्षी दल क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या इनकी योजनाएं हैं, किस विचारधारा पे चलते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकास किए गए विकास कार्यों और उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा दिए गए सुशासन, गुंडा मुक्त शासन, भय मुक्त शासन के नाम पर हम लोग चुनावी मैदान पे हैं, और जिस तरीके से जनता हमें पूर्व के चुनावों में मत देकर अपना विश्वास जता चुकी है उसी से हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत के दम पर, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा किए गए कार्यों के दम पर हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने में कामयाब होंगे और अब की बार 400 पार के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारे को चरित्रार्थ करने का काम करेंगे। आजम खान साहब एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा उत्तर साहब से लेंगे। ओबीसी ने हल्ला बहुत मचाया लेकिन जब वक्त आया तो उम्मीदवार खड़े नहीं किए, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? अमिताभ जी वो ये बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस बनाम बीजेपी है और कोई अपना मत खराब करने नहीं जा रहा है, इसलिए सभी पार्टियां कैंडिडेट उतारने में हिचक रही हैं। जो वर्तमान चुनाव है वो कहीं ना कहीं महंगाई भ्रष्टाचार और लोकतंत्र बचाने के लिए है। भाजपा के सर अभी बहुत बड़े बड़े बात कह रहे थे, अब आप बताइए चुनावी चंदे को क्या भ्रष्टाचार नहीं ठीक माना जाएगा? आजम खान साहब ठीक है आगे बात, अच्छी बात कही आपने। मैं तो एक बात नहीं समझ पाता, संविधान को क्या समझते हो आप लोग? नेताओं का एक क्रैश कोर्स होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए कि संविधान क्या है, पहले 1000 शब्दों में लिख के बताइए क्या क्या है संविधान में। बोला गुड्डू सिगरेट पी रहा था, बोले संविधान। बोले पप्पू कोको कोला पी रहा था, बोले संविधान को खतरे में आ गया। अरे संविधान यार क्या है, आपको पता है संविधान में क्या लिखा है? नहीं। बोला रामलाल रिश्वत लेते पकड़ा गया, बोला संविधान। संविधान में रामलाल की फोटो लगी? नहीं। रुपया गिनते की फोटो लगी? नहीं। क्या मजाक बना दिया है ये सारी? नहीं ये नहीं, नहीं अभी रुकना होगा, अब आप बीच में नहीं रुक जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, कुछ अगली बहस के लिए कुछ इनपुट भी मिलेगा। दूसरी एक बात कही जाती है
जो बीमार हैं, जो कह रहे हमसे चला फिरा नहीं जा रहा, बोलने में सांस फूल रही, हिलना डुलना मुहाल, वो लोग भी संविधान का कोई मसला हो तो तुरंत कपड़ा वपड़ा पहन बाल काट के आ जाते, बोले माइक लाओ, बोले हम भी भाषण देंगे संविधान पर। क्यों पूछो, आपके पास कभी समय जीवन में था संविधान पढ़ने का? पढ़ा होगा हिंदी या अंग्रेजी में? नहीं। भोजपुरी में? नहीं। खड़े होगा बोले आज मैंने देख रहा था लालू जी का, किसी ने नहीं सका, लेकिन उन्होंने एक लाइन खींचने की कोशिश की लालू यादव जी ने, उनने कहा पिछड़ा और दलित आंख निकाल लेगा। किसकी किसकी निकाल लोगे आके? बोले जो संविधान बदलने की बात कर रहे। कौन संविधान बदल रहा माइका लाल? किसकी हैसियत से संविधान बदल देगा? आपके लड़के का नाम है संविधान? बोले अब संविधान नहीं रखेंगे, अब इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रख देंगे। पप्पू का तमाशा कर रहे हो यार। एक और बात समझ लीजिए, इस संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके। भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान लागू होने के थोड़े ही समय बाद अपने शुभ कर कमलों से कर गए थे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहला संशोधन, और मालूम किस बात पर कर गए थे? इसलिए नहीं कर गए थे कि हर गरीब को रोज आधा किलो जलेबी और दही दिया जाएगा, ऐसा कोई क्लॉज डाल रहे हो? नहीं, इस बात पर संशोधन कर गए। आजम भाई ये बड़ी बातें हैं अनुपचक आप सब लोगों के लिए। वो इस बात पर संशोधन कर गए कि प्रेस की आजादी को अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, पहले अनलिमिटेड थी, इस पर प्रतिबंध लगने चाहिए, इस पर अंकुश लगने चाहिए, क्योंकि कुछ मैगजीन्स में पंडित जी के खिलाफ भी छपने लगा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो लोग भी कह रहे हम संविधान बचाने आए, 74 में 75 में जून में क्या किया था 26 जून को इंदिरा गांधी ने, वो भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं। अमर गजब तमाशा कर रहे हो यार। बोले सो रहे हो? बोले सो नहीं रहे, चिंतन कर रहे हैं। बोले किसका? बोले संविधान बचाने का। अरे संविधान आप सबको बचाए हुए मेरे भाई, यहां जितने लोग बैठे इनमें कौन इतना बड़ा आदमी जो संविधान को बचा लेगा? संविधान है तो अखिलेश जी बोल रहे हैं, मायावती जी बोल रही हैं, योगी जी बोल रहे हैं, अनुभव बोल रहे हैं, आजम खान बोल रहे हैं, दानिश भाई बोल रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहे हैं, अरविंद जी बोल रहे हैं। हम लोग इतने मनबल हो जाएंगे हमको हम संविधान को बचाएंगे? अरे भाई साहब अपनी टांगे तो बचा ले, ट्रैफिक में कहीं मोटरसाइकिल मारी जा रही कहीं साइकिल नहीं। संविधान को क्या बना दिया आपने? गरीब की बकरी बना दिया क्या? जो चाहे तो हाके ले जाएगा। इंदिरा जी ने एक बार कोशिश की थी, उस कोशिश में हवन करते हाथ जल गए थे, उसके बाद से संविधान का साथ दिखता है कांग्रेस को तो भाग जाती है दूर, कहती ना भैया वो अब की उधर नहीं जाएंगे। जिसे बच्चे का एक बार तवा पे हाथ पड़ जाए ना गर्म पे, फिर वो तवा नहीं छूता जिंदगी में दोबारा, वो कहते ना 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 ताता है। कांग्रेस समझ गई कि संविधान से खेलने में क्या होता है। 11,440 वोल्ट, हमने वो दौर देखा है मित्र आजम भाई। और उसके बाद भारत की अनपढ़ अनपढ़ इस सेंस में जो स्कूली शिक्षा भारत की जनता की तब तक नहीं हुई थी, क्या उसके पास विवेक और ज्ञान था? उसके चलते उसने क्या किया, इंदिरा गांधी को घर भेज दिया बहिरंग, संजय गांधी, बंसीलाल, ओम मेहता, विद्याचरण, जितने ये कल्पित थे इमरजेंसी के, सबको बेरोजगार कर दिया। क्या ननकू और रज्जाक ने, उन्होंने संविधान पढ़ाने की प्रति नहीं पढ़ी थी, क्योंकि संविधान की प्रति पढ़ाएंगे खेती करें, लेकिन संविधान का मूल सत्य तो जानता था देश, इमरजेंसी भारत के मन के हिसाब की चीज नहीं है, इसलिए इमरजेंसी लगाने वाले लोगों को दंडित करो। और आपकी पार्टी के तो नेताजी खुद 19 महीने जेल रहे थे। राजेंद्र चौधरी को जानते हैं ना? राजेंद्र चौधरी भी जेल गए थे, उनको भी पेंशन मिलती है 20,000 रुपया महीना।
लालू यादव जेल गए थे। इसलिए मैं ये कहूंगा संविधान को यार चूचू का मुरब्बा ना बनाओ भाई, फ्री गॉड सेक, आपस में अपनी लड़ाई लड़ो। मैं तो जिसको देख रहा हूं बोले मेरा मोबाइल में वो नहीं आ रहा इंटरनेट, बोले संविधान खतरे में। क्या कर रहे हो यार, बोले मेरी चाय में शक्कर कम है, बोले संविधान खतरे में। बोले आज खट्टी डकारें आ रही, बोले संविधान बचाओ, संविधान खतरे में। क्या कर रहे हो, संविधान है तो आप सब सुरक्षित हैं, ये क्यों नहीं मान रहे? इतने बड़े अरविंद भाई, इतने बड़े बड़े भाषण और इतने तीखे तीखे भाषण देश में सब इसलिए दे पा रहे हैं कि संविधान है और बोलने की आजादी उसने हमको दी है। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या देश में? मेरी बात से सब सहमत होंगे, दानिश भाई भी, आजम जी भी और अनुभव चक और आप भी, कि हम टीवी पर आकर कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते हैं 40 मिनट बोलने के बाद कि देश में बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? तो 40 मिनट क्या हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे चाचा? बोले मोदी ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा, ये सब आधा घंटा बोल लिए, फिर बोले मोदी जी किसी को बोलने नहीं देते, सबकी जुबान सुल दी। तो आप आधा घंटा कीर्तन कर रहे थे कि ठुमरी गा रहे थे? कुछ तो लाज शर्म रखो भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी, जय पराजय होती रहेगी, नेता भी आएंगे जाएंगे, पीढ़ियां बदलती रहेंगी। मित्र, संविधान भारत का नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करते, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। संशोधन हां होने भी चाहिए थे, हुए भी हैं, आगे भी होंगे, होते रहने चाहिए। बाबा साहब ये कहकर गए थे कि समय के साथ संविधान को लचीला होना चाहिए, समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहे। संविधान और एक धार्मिक किताब में अंतर है आजम भाई, वहां संशोधन नहीं हो सकता। क्या संशोधन होगा तो पूरी दुनिया में कोहराम हो जाएगा क्या? लेकिन संविधान तो संविधान है, वहां 125 हो गए, जैसे जैसे लोकसभा तय करेगी देश का विजडम और संशोधन हो जाएंगे। लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, जिसको अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। न भाजपा, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न लोकदल, न टीएमसी, न इंडी गठबंधन, न असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, न लालू जी। इसलिए निश्चिंत होके शाम को ज्यादा खाइएगा, अच्छे से सोइएगा, संविधान कहीं नहीं जा रहा। धन्यवाद।